धज धज के मेकअप का के सुबर लागलू लेकिन मैं सबका से सुपर लागलू जान जब ले लू अंगड़ाई भाग जागे सूरज के लाली जैसे कनवा के पाली जैसे कमार तो हर फुलवा के डाली जैसे सूरज के लाली जैसे फुलवा के डाली जैसे लचके कमार तो हर फुलवा के डाली जैसे लहे लहे उठे हो लहे लहे उठे दिल में लहरी आहो दासल परा श्रोता बंधु हम गायक कलाकार देवेंद्र यादव प्यार से लोग दीवान कहलन आप लोगन के बीच में एक थे सामाजिक विराम भेज रहा हूँ आशा ना बल्कि विश्वास बाम के विराह के आप लोग जरूर पसंद कर बाम चार लाइन कवि जी भूमिका लिखलन
चाहे नीर पान को कोई बना दे, भले बांध दे कोई दरिया कपान, चांद सूरज सितारों को बंदी बना दे, दासी बनाया स्वयं रात रानी, पवन को कोई कस दे जंजीर से, रोक सकते नहीं जो चढ़ी गरी जवानी, प्यार पागल है कहता जमाना सदा, जो कि इतिहास में लिख चुकी है कहानी। पवन को कोई कस दे जंजीर से, रोक सकते नहीं गर चढ़ी गर जवानी, प्यार पागल है कहता जमाना सदा, जो कि इतिहास में लिख चुकी है कहानी। कहा जाता है बाबू कि प्यार करना कोई पाप नहीं होता, लेकिन प्यार को वासना में दूषित कर देना ही महापाप होता है। एक लाइन कव्वाली का अंदाज बा, आई देखा कोई आशिक अपने मासूका से कह रहा है क्या, अरे इसे कैसे हो जाई, अरे इसे कैसे हो जाई, मोहब्बत के सौदा गीत बाम, लेकिन बिरहा के लाइन में कवि जी बड़ा सुंदर बात लिखलन प्यार के ऊपर। कवि जी का कहना बका, अरे प्रेम ऐसन रिश्ता खुदा के फरिश्ता, ah!
ये हमेशा कहानी का शुरुआत हो गई। कोई कपोल बात नहीं है बाबू, कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, बल्कि जो भाई अखबार पत्रिका वगैरह पढ़ते होंगे, ये कहानी पत्रिका से प्रकाशित हुई। मजबूर होकर के कवि को लिखना पड़ा। लजम के लाइन में कहना बा मास्टर, मोहब्बत है खुदा मोहब्बत है भगवान सही, नियत हो साफ और पाक हो ईमान सही। पहले मोहब्बत का इतिहास बना है यारो, पहले मोहब्बत का इतिहास बना है यारो, आज मोहब्बत का उपहास बना है यारो। मोहब्बत लैला मजनू है, मोहब्बत लैला मजनू का मजार आंखों में, आज मोहब्बत करने वाले क्यों सलाखों में। पहले के मोहब्बत करने वाले लैला मजनू ही राजा सिर फरहाद, जिनके प्यार की मिसाल बाबू आज भी धरती पर कायम है। और आजकल के प्यार करने वाले हुस्न और जिस्म के साथ प्यार करते हैं। पहले के प्यार करने वाले लैला मजनू जेकर आज भी जोन बाकी मजार कायम बा राजस्थान में, हजारों प्रेमी प्रेमिका जाते हैं उस लैला मजनू के मजार पर और अपने प्यार की सलामत की दुआ मांगते हैं। आज का प्यार करे वाला, लेकिन कहानी कैसन बाम बताओल गई का। मोहब्बत से ही शुरू हो रही कहानी है, मोहब्बत से ही शुरू हो रही कहानी है, बिंदु विनोद समझी ने मरने को ठानी है। पढ़ते कॉलेज में दोनों में नैना चार हुआ, पढ़ते कॉलेज में दोनों में नैना चार हुआ, हो गई साथ जब परिवार भी लाचार हुआ। ए भैया कहानी कहाँ गवाम, कहानी के ऊपर गौर करेंगे। एलियम के बिरहा के मेन चीज कहानी हो ले। ए हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्रांत उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के अंतर्गत एक जिला आता है जिस जिला का नाम सिद्धार्थ नगर बतावल गई। सिद्धार्थ नगर जिला के अंतर्गत एक ठे गांव पड़ेला, वही गांव में दो ठे प्रेमी प्रेमिका, प्रेमी के नाम विनोद, प्रेमिका के नाम बिंदु, एक के कॉलेज में पढ़त हुवन। देखे बाबू बिंदु और विनोद के बीच में प्यार हो गया। आज अब प्यार हो गए ले बाबू, कैसन प्यार बाम, अंतरजाति प्यार। विनोद किसी दूसरी जात का था और बिंदु कौन दूसरी जात का, प्यार हो गई। परिवार के लोग विरोध करत हुवन, लेकिन लाख विरोध करने के बावजूद भी एक दिन बिंदु और विनोद जा कर के बाबू कोर्ट में शादी कर लिए। अजब शादी कह के विनोद बिंदु के लेके अपना घरे आई। उस समय बिंदुआ बड़ी खुश बा, एक ठे बात कलस एक लाइन तरे लग गई।
गलतिया मास्टर बजौलन छोटी मोकी ने बिया गछिया छोटी मोकी ने बिया गछिया मंदिर समान रे हरी छोटी मोकिन बिया गछिया मंदिर समनाए हरी तही उपरा देवी मैया तही उपरा देवी मैया नवली झूलनवाए हरी बिंदु के साथ कोर्ट में शादी कर लिया और शादी करने के बाद अपने घर पर लेकर के आया है। आज अब घर पर लेके आई बिंदुआ बड़ी खुश बा कलश का कलश ए सैया जी हे राजा जी चोरी चोरी मिलत रहली मन नहीं मन चोरी चोरी मिलत रहली मन नहीं मनाए पिया बनके बहुरिया अली बनके बहुरिया अली तुहरी भवनवा सैया जी अब ले तो हम निकल चोरी चोरी मिलत रही जा अब केहू के डर नहीं खे कहत बा का कलस कली कुसुमा भैली पाके प्रेम धार हो विनोद के भैले सपना साकार हो बीतली समैया बीतिया जन्म बनके बहुरिया अली बनके बहुरिया अली तुहरी भवनवा पिया अरे भैया आपन दोनों परानी चैन से जिंदगी बितावत हुन धीरे धीरे बाबू दो चार साल का समय बीतल बा दो चार साल के समय बीतल बिंदु और विनोद के बीच में बाबू एक बच्ची पैदा होती है एक बेटी पैदा होती है। आज जब बेटी पैदा भइल बिनदवा के थुथु लुटक गई देखम इस समाज में ऐसा लोग हुन कुछ लोग ऐसा हुआ लड़का पैदा होला बड़ा खुश होलन आ बेटी पैदा हुई तो मुंह लटका लिया बिनदवा बड़ी दुखी बा धीरे धीरे समय बीतले बाबू फिर जौन बा बिंदु प्रेग्नेंट हो गई गर्भवती हो गई। आज जब गर्भवती हो गई समय नियर आयल बा विनोद एक दिन बिंदु से कहने लगा कि ए बिंदु
अगर फिर दोबारा बेटी पैदा हो जाए तो बड़ी दिक्कत हुई, महंगाई का जमाना बन, ऐसन करा के चला जांच करवाला। अगर बेटी हुई तो एवार्सन करवा देंगे। देखे बाबू इतनी बात जब बिंदु सुनलस कलस की नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगी, एवार्सन नहीं करवाऊंगी। देखे बाबू धीरे धीरे कुछ समय बीतल बा, बच्ची पैदा होती है, दोबारा फिर लड़की पैदा हो गई। आज जब लड़की पैदा भइल बा, ओ समय एक लाइन तर्ज बा, कौन तर्ज बा, आओ है गीतिया माम जौना गीत के माता बहिन, जब गंगा स्नान कर बद जालिन, बड़ा झूम के गावा जालिन कि अरे गंगा माई के ऊंची बा, अरे गंगा माई के ऊंची बा, अरे रे नु हो वही पर बैठ भगवान। ए भैया विनोद कहने लगा कि चल कर केवासन करवा लो, बिंदुआ कलश के ना हम ऐसा काम ना करब। देखे बाबू बातें बात में बात बढ़े लगल, दोनों पति पत्नी के बीच में बात जब बढ़े लगल तब भइल का, अरे बातें बात में बढ़ी गई लिपतिया न हो होई गई लेटा करा, ममता लुटाई कुछ हो जाइया, ममता लुटाई। अरे भारी पड़ल बस कहलाता न हो होई गइले ता करार, भारी पड़ल भैया। आखिर बिंदु अपने पति विनोद की बात को नहीं मानती है, आज बात के ना मलस। देखे बाबू कुछ दिन के बाद में दोबारा फिर लड़की पैदा हो गई। आज जब लड़की पैदा हो गई उस समय बाबू विनोद और विनोद की माँ क्रोध में आग बबूला हो गए। कैलन का भी रसिया में कहना बा, अरे बीतल कुछ दिनवा जनमवा बेटी के भइले, अरे सासु सतावे गरी यावेलास जनावा। ए बाबू एक दिन की बात है जब बिंदु के तन से दोबारा बेटी पैदा हो गई, सासु और पति मिल करके लगे बाबू बिंदु को मारने मारने पीटने लगे। बिंदु रो रही है आंख से झरझर झरझर आंसू चलत बा, कलश की आखिर में हमार का गलती बा। लेकिन उस अबला के लाख रोने गिड़गिड़ाने का कोई असर नहीं उस पति के ऊपर पड़ा, मार रहा है पीट रहा है। बिंदु सोचत बा का सोचत बा, रतिया में बतिया
बड़ाई के कसैया हो, अरे मारे कहे छोड़ दी है सबेरे भवनवा। ए बाबू, रात में पति और सास मिलकर के बिंदु को लगे मारने, लगा पीटना, मेरे घर से निकल जाना और आइंदा इस घर में आने की जरूरत भी मत करना। देखे बाबू, बिंदु सोचत बा कि आखिर अब हम कहाँ जाएं कि अरे माई बाबू संगवाम समाज छोड़ी आईली हमाम, अरे कहाँ जाई दुनिया में छोड़ी के ठेकनावाम, अरे होई बा मरदम अवला तो होई बा मरा देके, अरे रखिया लुगाई जावल बेटा दी है जनमावाम। देखे बाबू, बिंदु सोचत बाम कि जौना माई बाबू के हम कहना नाम लिन, आखिर होगा मैम हम कैसे जा सकेला। रोत पे सुबह हुआ, पति और सासू मिलकर के बाबू घर से घसीटते हुए निकालने लगे, निकल जा मेरा घर से, आइंदा इस घर में आने की जरूरत मत करना। देखे बिंदु अपनी बड़ी बेटी जो 3 वर्ष की है मंजू, और छोटी बच्ची को गोद में लेकर के घर से निकलत बा, रोवत बा, सोचत बा कि आए हाय आखिर अब हम कहाँ जाएं, नहीं हत हम जा ही ना सकीला। रो रही है आंख से झरझर 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 आंसू चलत बा, इसीलिए तो कहा गया कि अबला जीवन हाय, अबला जीवन हाय, तेरी यही कहानी, आंचल में दूध आंखों में पानी। सोच गई तो वो समय बिरहा के तेरी में कहल गई, मास्टर कि लचारी अब लचारी में बिचारी फंस गई, अरे लचारी में बिचारी हो, लचारी में बिचारी फंस गई, तो एक और पिया प्रेम बा एक और ममता भारी। एक और पिया प्रेम बा एक और ममता भारी, लचारी में बेचारी फंस गई। एक और पति का प्रेम, एक और पति का प्यार, आ एक और संतान का प्रेम। देखे बाबू बीबस है, बिंदु जा रही है, पास में एक भी पैसा नहीं है, फटे पुराने कपड़े हैं, बिखरे हुए बाल, पागल की भांत अपनी बड़ी बेटी मंजू का हाथ पकड़ करके छोटी बेटी जो कुछ ही दिन की है गोद में लेकर के रोती हुई बाबू बिंदु कुछ दूर पैदल जाती है, फिर देखी बस स्टैंड पर पहुंची, सोच रही है कि आखिर मेरे पास पैसा भी नहीं है, आखिर मैं किराया कैसे दूंगी। बैठ गई बस पर बाबू, बस पर बैठल बाम, कंडक्टर आया किराया मांगने लगा, कलश भैया हमारे पास एको पैसा नहीं खे, हम तो किराया ना दे सकिला। देखे बाबू कंडक्टर नेक इंसान था बाबू, मान गया, बस जाती आती है गोरखपुर, गोरखपुर पहुंचल रेलवे स्टेशन पर पहुंचती है, बिंदु सोच गई कि क्यों न मैं चलूं बाबा भोलेनाथ के धरती पर, बनारस के धरती पर, जौना धरती पर हर लोगन के गुजारा होला, अमीर गरीब सबका गुजारा होला। ये सोच करके बाबू बिंदु प्लेटफार्म पर गाड़ी लगी थी, गाड़ी में बैठ गई, गाड़ी धीरे धीरे चलल बा, लेकिन रोवत बा बिंदु अपने किस्मत पर, कैसे रोवत बा, एक लाइन तर्ज लग गई।
गाइन हो गीत बाम। अरे कही तो भौजी भैया से की, अरे कही तो भौजी भैया से की, कह द मोर गावा नवा हो, अरे बाकी रोवली करम पर बिंदु, अरे रोवली करम पर बिंदु, बरिसेला नया नवा हो, अब बरसला नया नवारा, अरे सोना जिंदगिया लागे, सोना जिंदगिया लागे, सोना जहा नवा हो, ए बाबू बिंदु ओई गाड़ी में बैठ कर रोत बा, रो रही है तब तक बाबूजी इतना नाम लचार होकर के करती है क्या, हो के लचार बिंदु छोड़ा ली ससुरा हो, मनिया के धोई दियली अपना सनूरा हो, देखे बाबू ये सोचत बा बिंदु आ तबला गाड़ी आकर के बनारस कैंट पर रुक गई, गाड़ी रुकल बम ओजा उतरल आ गाड़ी से उतर के बाबू धीरे धीरे आगे जाती है, सोच गई कि आखिर इस दुनिया में मेरा पति मुझे घर से निकाल दिया तो मैं अपना सिंदूर नहीं रहने दूंगी। देखे बाबू लोटा उठौलस पानी लेलस अपन हर 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 सिंदूर धो देलस, इतना नाम आगे जाती है, सोच गई कि चलूं मैं बाबा भोलेनाथ के दरबार में, जौना दरबार में दीन दुखिया सबके गुजारा होला। पहुंच गई बाबू बाबा विश्वनाथ के मंदिर पर, जा करके हाथ जोड़ करके रो रही है, कह रही है कि बाबा ये दुनिया में हमार केहू नहीं के सुनीला कि बाबा आप बड़ा दयालु हैं, आपकी दरवाजा पर जे केहू भी आवेला खाली हाथ ना लौटेला। देखे बाबू रोवत बा आंख से हर 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 आंसू गिरत बा, कह जलाम कि जिसका कोई नहीं होता है
उसका भगवान होता है। मालिक की कृपा हुई। ओही जा बगलिया में एक थे आदमी हवन पुछलन बेटी काहे रोत हो का बात बाम कलश की चचा ए लिए रोत है ये दुनिया में हमार केहू ना हम पति और सासू मिल करके मार करके हमको घर से निकाल दिए आखिर हम अपने परिवार के पालन कैसे करब। रो रही है बाबू देखे तब तक वो आदमी कहने लगा कि चलो चलो बेटी मेरे साथ चलो ले गया आम ओ बिंदु के जनबा के दो चार पांच घर का चौका बासन करे के जनबा के नौकरी धरौलस नौकरी करे लगल। बिंदु अपने लेकिन के जनबा के जियावत खियावे लगल एक लाइन तर्ज लगल का आओ है गीत का लाइन बाम कोनो मेहरारू अपना मरद से कहत रहल कि अरे डूबी मरब ए राजा अरे डूबी मरब ए सैया जही बजो पुरुष की दसवा ओही पूर्व दसवा ये राजा जी ओही पूर्व दसवा ये सैया जी हौवी बंगलिनिया बनारस के धरती पर नौकरी करके अपने दोनों बेटिन के पालन पोषण करत है बड़की लड़की के लगलिन पढ़ावे धीरे धीरे कुछ दिन बीतल बा आज अब कुछ दिन बीतल ले बाबू धीरे धीरे बड़की बेटी मंजू जौन बा 10-15 साल के हो गई माई पढ़ावत है तब हैल का धीरे धीरे बीतल जाबा कुछ दिन समय आहो भैया बिंदु अपने बड़की लड़की के मजदूरी कई के लगलिन पढ़ावम देखे बाबू धीरे धीरे जब मंजू इंटर पास
कैले बाम आज अब इंटर पास हो गई। देखे बाबू पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री अखिलेश यादव जी के शासन में जो मेरिट की वैकेंसी आई वही वैकेंसी पे मंजू जोन बा पुलिस में भर्ती हो गई। आज जब पुलिस में भर्ती मंजू भइल बा ए बाबू माई अपनी बात के खबर पौलिन हम खुशी से खुशी के मारे माँ के आंख से बाबू हर 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 आंसू चलत बा। धीरे धीरे समय बीतल मंजू एक साल का समय बिताने के बाद मन देखे बाबू पोस्टिंग होती है। अब पोस्टिंग प्रतापगढ़ जिले में एक थाने पर हुई ड्यूटी करत बम। वही ड्यूटी के दौरान जौना थाना पर वो मंजू रहे देखे कि ये थाना पर एक ठे आदमी हुन कुक का काम करलन खाना बनावे का काम करलन। एक साल के समय बीत गई आखिर आदमी अपना घरे ना जालन। एक दिन जा कर के बाबू मंजू वो आदमी से पूछलस कि बाबा आप अपने घर नहीं जाते हैं क्या आपका परिवार नहीं है आपका बीवी बच्चा नहीं है। देखे बाबू जब इतनी बात पूछत बे मंजू एक लाइन तरज लग गई बाबा वह गीतिया के लाइन बाम अरे सुतला मोरहली रामा अरे सुतला मोरहली रामा अरे बाबा की आननवा ओसियन के सर दर से अरे ओसियन के सर दर से भीजला पता नवा ओसियन के सर दर से मंजू जाके वो थाना में जवन कुक वाला काम करत बा खाना बनावे वाला काम करत बा वो आदमी ओसे जाके पूछत बे मंजू का पूछलस एक साल बीतल रामा अइले यही थानावा भवनावा कबो ना गइले भवनावा कबो ना गइले देखे नारी ललनावा भवनावा मंजू ये बात पूछलस की ए बाबा हम देखिला जब से तू यहाँ आई बड़ा तब से तू घरे ना जाला आखिर बात कबाम क्या आपके बीवी बच्चे नहीं हैं क्या आपके आपका परिवार नहीं है। इतना वो आदमी सुन रहा है बाबू कहा कि बेटी अगर पूछ रही हो तो लो मैं बता रही हूँ मेरा भी परिवार था मेरी भी पत्नी थी और मेरे भी बच्चे थे बेटी लेकिन बतौलन का बतौलन भाई हमसे भूलो बेटी कहीं का कसूर हो
भावनावा सबो ना गईले देख नारी लाला नावा भावनावा ए बाबू इतना बात जब आदमी सुना कहने लगा कि बेटी मेरा भी परिवार था मेरी भी पत्नी थी और दो बेटियां थी लेकिन मैं अपने परिवार को अपने घर से निकाल दिया। इतना कहने के बाद बाबू आदमी रोने लगा आंख से हर 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 आंसू गिरे लगल कलश की चचा तो आखिर परिवार के निकाल दिया ला फिर तू यहाँ आईला कैसे कलश कि जब मैं अपने परिवार को अपनी पत्नी को अपने दोनों बेटियों को जब अपने घर से निकाल दिया कुछ दिन के बाद परिवार के लोग भी हमसे घृणा करने लगे और हमको भी घर से निकाल दिए। जब घर से निकाल दहलन तब आखिर हम सोचली अब कहाँ जाएं तो वहीं हरियाणा में डेरा सच्चा सौदा के संस्थापक गुरमीत राम रहीम के डेरा पर पहुंचा। कुछ दिन के बाद में लड़की के रेप में राम रहीम के समर्थक और पुलिस के बीच में मुठभेड़ हुआ लाठीचार्ज हुआ। वही माँ हम जौन बा की पुलिस वालन की संगे थाना पर अली आ तब से एजा हम रहिला। इतनी बात वो आदमी बतौलस ओ मंजू से मंजू देखें बाबू धीरे धीरे कुछ दिन बीतल बा कुछ दिन के बाद छुट्टी पर घरे आई आ जब घरे आई एवनी बात के अपने माई से बतावत बा के माई हम जौना थाना पर आई ना एक ठे आदमी बा वो बतावत रहल कि हम अपने परिवार के निकाल दिली बतौले बा पूरी कहानी देखें कुछ दिन मंजू घर पर रहल आ जब कुछ दिन घर पर रहल माई सोचत हईं कि आखिर हमार बेटी सयान हो गई बा एकर शादी कल जरूरी बा। एक दिन एक ठे बात कहलिन का कहलिन आ ओ है गीतिया के लाइन बा के कचौड़ी अरे कचौड़ी गली सुन कैला रजऊ अरे मिर्जापुर के कैला गुलजार हो कचौड़ी गली सुन कैला रजऊ माई कहत हईं सोचत हईं कि बेटी सयान हो गई बा बेटी का कहीं शादी हो जात हमरे कपार का बोझ भी हल्लुक हो जात केहू का बहिन बेटी होके जब जवान हो जाले सयान हो जाले माई बाबू के कपारे का बोझ होला। बाबू माई सोचलन बेटी का शादी हो जात हमर जिंदगी तरनतार हो जात सोचत हई हे माई उहे कहत हई का कहत हई अरे प्यारी बिटहिनिया अरे प्यारी बिटहिनिया की सुना मोरी प्यारी बिटहिनिया अरे माई कहेली समझाय हो कि सुना मोरी प्यारी बिटहिनिया माई कहत हई
ससुरा से आवेला डोलिया कहार हो, ससुरा से ससुरार हो कि सुना मोरी प्यारी बिटिनी, सुना मोरी प्यारी बिटिनी, यह बाटे रीति या रिवाज हो कि सुना मोरी प्यारी बिटिनिया, यह बाटे समझावत है ने बेटी, अब तोर शादी हो जाए तो हमरो कपार के बोझ हल्लुक हो जाए। इतना बात जब मंजू सुन ले कलेश की नाम है नाम, हम शादी ना करब इसलिए कि आए दिन इस हिंदुस्तान की धरती पर नारियों के साथ शोषण होता है, अत्याचार हो रहा है, रेप हो रहा है बच्चियों के साथ। अपन कहानी बतौलस वो थाना पर को आदमी का कहानी, आज जब माई सुनी ना बिटिया बतावत बा एक लाइन तरज लग गई। वो है मंजू समझावत बा अपने माई के, आज समझा के एक लाइन बात कहलस कि हमारी माई हो, हमारी माई हो, अरे यही धरती पर बाटे बहुते कुवार, हमारी माई हो, अरे माया ममता जय ललिता उमा के सुना कहानी, अरे अटल अटल यूपी में देखम, अरे अटल अटल यूपी में देखम, अरे मुख्यमंत्री जी पानी की हमारी माई हो, हमारी माई हो, आपन आपन सब करई है विचार, हमारी माई हो, मंजू कहने लगा कि नहीं माम मैम शादी नहीं करूंगी, आजीवन कुंवारी रह करके ही इस देश की सेवा करूंगी, यह बात कहत बा। और देखे धीरे धीरे मंजू का जोनबा की छुट्टी खत्म भई, लेकिन जेवन उ बात बतौलस अपने मतारी से माई रोवे लगलिन, पूछत है कि ए माई आखिर तू काहे रोत हो, हमार पापा ना हुन का मई, हमार पिताजी ना हुन। इतना बात सुनती है बाबू बिंदु तो रोने लगी, कहने लगी कि बेटी छोड़ो इस बात को। धीरे धीरे कुछ दिन बीतल, छुट्टी खत्म भइल बा मंजू के, फिर थाने पर गई। आज जब थाने पर गइल बा मंजू की दिल में ये बात हमेशा सालत बा, सोचत बम कि आखिर माई से पूछले, माई कुछ ना बतौली, ये दुनिया में हमार पापा ना हुआ, यह बात सोचत बा। थाने पर गई, आज जब थाना पर गई बा उस समय बाबू आल्हा के लाइन में लिखल गई,
के सुखला सगारावा में, के सुखला सगारावा में, अरे उठली लहरिया बाबू, हो बरसे बदरवा जस गंगा जल धार, हाँ बरसे बदरवा जस गंगा जल धार, के माई से मंजू पूछे माई बात करली बाबू, छुट्टी काट मंजू अली थानावा मझार, जाई के विनोद से जब कहली बचनवा बाबू, अरे बात सुन के माई घर धीरे धीरे बाबू। कुछ दिन बीतल, मंजू के छुट्टी खत्म भई, फिर थाना पर गई। आ थाना पर जौन कुक बनावे वाला आदमी हूँ, खाना बनावे वाला, उनके पास में गई। कहलस कि बाबा जवन तू बात बतावत रहला के ना, हम अपने परिवार के, अपना बीबी बच्चन के, अपना घर से हम निकाल दिया। आओ बात के जब हम घरवा अपने माई के बतौली, हमर माई रोवे लगल। आखिर बात का बाम ए बात के हमसे बताओ बाबा, रोवत बा का कहलस के लेके विनोद के जब आई गई घरवा बाबू, कहला विनोद बेटी जोरत बानी हथवा तोहसे, हो एक बेर करा दो अपनी माई से दीदार। इतनी बात जब वो कुक बनाने वाला आदमी सुना बाबू, कलश की बेटी एक बेर तू अपने माई से हमके मिला दे तू। इतना बात सुनकर के बाबू मंजू उस आदमी को लेकर के घर पर आती है। आज जब वो आदमी के लेके अपने रूम पर आई, बिंदु देखले बा, बिंदु का नजर जब वो आदमी के ऊपर पड़ल, अवाक हो गई, अवाक हो गई। सोचने लगी कि काश ये मेरा पति विनोद तो नहीं है। देखत बा बिंदु वो आदमी के, देखत बा वो आदमी बिंदु के, देखत बा। लेकिन जवन मंजू खड़ी बा ओकरे समझ में कुछ बावत आवत नहीं थी। आखिर करती है क्या, अरे समझा मैं बतिया, अरे समझा मैं बतिया, नया वे मंजू के अब बिंदु बिनो से गईली भेदावा के पाए बोला। देखे बाबू वो आदमी पूछ रहा, मंजू सोचत बे कि आखिर ये लोग खड़ा हूं उनका बात बा। देखे बाबू उस समय वो कहने लगा कि अरे बेटी, अरे बेटी,
तू मुझको देख रही हो ना, तो मैं कोई और नहीं हूं बेटी, बल्कि तुम्हारा ही पिता हूं, तुम्हारा बाप हूं। मुझसे गलती हो गई थी और मैं तुम लोगों को अपने घर से निकाल दिया था। आज मिलके बाबू पूरा परिवार मिलल बा, पत्नी पति से मिलती है, पति पत्नी से मिलम। आज दोनों बेटी अपने बाप के पौली में बड़ी खुश है। यही से कहल जला अंतिम लाइन में कहना बगा, अरे माई मन से मिलम, अपन देबू तू हटाई हो, अरे विधाना कली खलबतिया, अरे विधाना कली खलबतिया, अब केहू ना मिटाई हो विधाना के। माई मन से मई ले अपन देबू तू हटाई हो, विधना के लिखल बतिया केहू ना मिटाई हो। देखे बाबू आज पिता अपनी पत्नी को पाया, अपने बच्चों को पाया, बड़ी खुश हो विनोद। देखें के धन्य धरो हर बेटी गरिमा, भारत भूमि निराली, आ अंजू मंजू के शादी भैलिन डोली चढ़ के जाली, अरे बनल भागन आज सुहागन, अब बेटी बाप के पाई हो। अरे विधाना के लिखल बतिया, अब विधाना के लिखल बतिया केहू नाम मिटाई हो विधाना। आज बाबू ओ विनोद अपने परिवार को पाया और लेकर के आप पुनः सिद्धार्थ नगर अपने घर पर आता है। अपने बड़ी बेटी मंजू जवन पुलिस में भर्ती बा, बड़े धूमधाम से अपने बेटी का शादी कैलस, बनल सुहागन आज अभागन बेटी बाप के पाई हो। जवन बिंदु अपन सेनूर धो दल रहल, अभागन बन गई रहल, आज दोबारा अपने पति का प्यार पाती है, पति को पाती है। और आज भी बाबू ये प्रमाण मिलता है कि पूरा परिवार सिद्धार्थ नगर जिला में अपने गांव में हंसी खुशी से रह रहा है। यही लिए कह जला कि समय के चक्रबा, समय के पहिया बा, कब क्यों ना और घूम जाई, कभी सुख तो कभी दुख। ये जीवन के दो रूप हैं बाबू। आज पूरा परिवार बड़ी खुश बा, अंतिम लाइन में कहना है क्या के जय जखाड़ गुरु जद्दू लवटन की लहरे फुलावा, अरे कथन करे कवि विजय शंकर, अरे सागर सुबह सहर साई हो, अरे लचारी में बिचारी फंस गई, अब लचारी में बिचारी फंस गई, यादो देवेंद्र के रक्षक मदन मुरारी, लचारी में बिचारी